हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। आई एम आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स दिसंबर सेकेंड वीक के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। हमारी पहली न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली आरबीआई के द्वारा बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी लॉन्च की गई है। तो इस मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात करते हैं, राइट? और इस मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आरबीआई ने कुछ अनाउंसमेंट्स भी किए हैं, उसके बारे में बात करेंगे, राइट? तो सबसे पहले ये मॉनेटरी पॉलिसी के दौरान आरबीआई के द्वारा कुछ प्रिडिक्शंस किए गए हैं कि भाई इंडिया का रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए कितना रहेगा। 6.8% इंडिया का जो जीडीपी है, बराबर ना, वो जीडीपी ग्रोथ कितना रहेगा, 6.8%। पहले कितना प्रोजेक्ट किया गया था सितंबर में जब मॉनेटरी पॉलिसी बैठी थी, तब 7%। अभी उससे थोड़ा सा कम प्रेडिक्शन किया गया है, 6.8% रहेगा इंडिया का जीडीपी ग्रोथ फाइनेंशियल 2023 के अंदर अकॉर्डिंग टू द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, राइट? अगर मैं इन्फ्लेशन के बारे में बात करूं तो इन्फ्लेशन 6.7% प्रोजेक्ट किया गया है। इन्फ्लेशन का टॉलरेंस लिमिट क्या है, 2% से लेके 6%, मतलब 4% प्लस और माइनस 2। इन्फ्लेशन मिनिमम 2% और मैक्सिमम कितना परसेंट होना चाहिए, 6% अकॉर्डिंग टू द आरबीआई, राइट? लेकिन फाइनेंशियल 2023 का इन्फ्लेशन का टारगेट क्या रखा गया है कि भाई कितना रहेगा इन्फ्लेशन, 6.7%, बराबर ना, जो अपर लिमिट है उससे थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, राइट? ओके, अगर हम पॉलिसी रेट्स के बारे में बात करें तो रेपो रेट 6.25% रखा गया है, जो लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी जब बैठी थी, बराबर ना, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जब बैठी थी लास्ट सितंबर महीने के अंदर, तब कितना था, 5.90% था, तब कितना था, 5.90%। रिवर्स रेपो रेट कितना रखा गया है, 3.35%, जो लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठी थी तब भी 3.35% ही रखा गया था। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट वो कितना अनाउंस किया गया, 6%, जब लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी सितंबर महीने के अंदर बैठी थी तब ये 5.65% था, 5.65%। उसके अलावा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 6.50% अनाउंस किया गया है, ये लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर ये जो रेट था वो 6.15% था। बैंक रेट भी 6.50% अनाउंस किया गया है, लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर ये 6.15% था। कैश रिजर्व रेशियो 4.50% अनाउंस किया गया है, लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर भी ये 4.50% ही था। और SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो 18% अनाउंस किया गया है, जो लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जब सितंबर में बैठी थी तब ये 18% ही था, बराबर ना। मतलब आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि जो रेपो रेट है वो कितना बड़ा है, 0.35% बड़ा है। 0.35% को हम क्या बोल सकते हैं, 35 बेसिस पॉइंट से बड़ा है। तो ये रेपो रेट एक रेफरेंस रेट होता है, रेपो रेट से ये स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 0.25% कम होता है, वो 0.25% कम होता है। अब देखो कि ये रेपो रेट अभी 6.25% है, तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट कितना है, 6%, वो 0.25% कम होता है रेपो रेट से। और ये जो MSF और बैंक रेट है ना, वो 0.25% ज़्यादा होता है रेपो रेट से। तो अगर रेपो रेट के अंदर चेंजेस दिखे तो बाय डिफॉल्ट 0.25% ये कम हो जाएगा और बाय डिफॉल्ट 0.25% ये दोनों ज़्यादा हो जाएंगे, राइट? ओके, और रिवर्स रेपो रेट कोरोना टाइम से एज इट इज़ रखा गया है, राइट? अभी मैं आपको यहाँ पे ये सभी रेट्स के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। वैसे मैंने बहुत बार, जब भी हमने करंट अफेयर्स के वीडियो के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी डिस्कस की है, तभी मैंने हर बार ये सभी रेट्स के बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, बराबर ना। तो इस बार हम उसको थोड़ा सा ऊपर से देख लेंगे, राइट, कि इसको कौन सा रेट क्या होता है वगैरह वगैरह, राइट? सबसे पहले हम बात करते हैं रेपो रेट के बारे में। रेपो रेट क्या होता है फ्रेंड्स, तो एक्चुअली में दो एंटिटीज हैं, एक है बैंक और एक है आरबीआई। दो एंटिटीज हैं, राइट, एक बैंक और एक आरबीआई। रेपो रेट क्या होता है कि आरबीआई बैंक को जो रेट के ऊपर लोन देता है,
आरबीआई बैंक को जो रेट के ऊपर लोन देता है उस रेट को बोलते हैं रेपो रेट, उस रेट को बोलते हैं रेपो रेट। और ये लोन लेने के टाइम बैंक को आरबीआई के पास कुछ गिरवे रखना पड़ता है। क्या गिरवे रखना पड़ता है कि भाई गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवे रखनी पड़ती है, राइट। तो आरबीआई बैंक को जो रेट के ऊपर लोन देती है उसको रेपो रेट बोलते हैं, और वो लोन लेने के टाइम बैंक को आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवे रखनी पड़ती है, राइट। तो रेपो रेट को रीपर्चेस एग्रीमेंट भी बोला जाता है कि भाई बैंक यहाँ पे आरबीआई को गारंटी देती है कि भाई आप मुझे अभी लोन दीजिए, मैं आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवे रखता हूँ, और मैं आपको ये लोन फॉर एग्जांपल अगर 14 डेज़ के लिए ले रहा है तो मैं 14 डेज़ के बाद ये लोन का पैसा आपको वापस दे के मैं मेरी गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस आपसे रीपर्चेस कर लूँगा। तो रेपो का फुल फॉर्म होता है रीपर्चेस एग्रीमेंट, राइट। ओके, तो ये तो बात हुई रेपो रेट की। अभी ये रेपो रेट के अंदर क्या हुआ है, आरबीआई बैंक को लोन दे रहा है और बैंक आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवे रख रहा है, बराबर ना। और जो रेट के ऊपर लोन दे रहा है उसको रेपो रेट बोलते हैं। ओके, अभी हम ये दो रेट के बारे में बात करते हैं, एक तो है रिवर्स रेपो रेट, एक तो है रिवर्स रेपो रेट, और एक है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट SDF, राइट। तो यहाँ पे अगेन दो एंटिटी, एक तो बैंक और एक आरबीआई। तो यहाँ पे जब बैंक अपने पास ज़्यादा सरप्लस मनी होता है ना तो वो कहाँ पे पार्क करता है, आरबीआई के पास। बैंक अपने पास जो सरप्लस मनी होता है बराबर ना, जो वो कहाँ पे पार्क करता है, आरबीआई के पास, और आरबीआई उसके बदले में बैंक को है ना गवर्नमेंट सिक्योरिटी देती है। आरबीआई उसके बदले बैंक को क्या देती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ये जो फ्रेंड्स ये है ना स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR कितना परसेंट मेंटेन रखना है, 18%। मतलब यहाँ पे बैंक के पास फॉर एग्जांपल 100 रुपये के डिपॉजिट हैं, उसमें से 18 रुपये उसको एज अ SLR मेंटेन करना है। और SLR में क्या क्या काउंट किया जाता है, तो क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटी काउंट किया जाता है, गोल्ड काउंट किया जाता है, बराबर ना, कुछ बॉन्ड डिबेंचर्स वगैरह होते हैं वो काउंट किया जाता है, बराबर ना। मतलब ऐसे पेपर्स कि जो हाईली लिक्विड असेट हो, मतलब जिसको तुरंत पैसे में कन्वर्ट किया जा सके, वो SLR में रखा जा सकता है, SLR में काउंट किया जा सकता है। तो अगर बैंक के पास SLR के लिए SLR मेंटेन करने के लिए जो एसेट्स कम है, तो बैंक क्या करेगी उस टाइम के, भाई मेरे पास कैश ज़्यादा है तो मैं उसको आरबीआई में रख देता हूँ, बराबर ना, और मैं उसके बदले में आरबीआई के पास क्या ले लूँगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो मेरी SLR भी मेंटेन हो जाएगी और आरबीआई की तरफ से मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो यहाँ पे जब बैंक अपना सरप्लस मनी आरबीआई के अंदर पार्क करता है ना, तो आरबीआई उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी देती है उस टाइम तक, और उसके अलावा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करता है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना प्रोवाइड करता है अभी बात उसकी रही, बराबर ना। ओके, तो आपको इतना तो पता चला कि भाई जब बैंक अपना सरप्लस मनी आरबीआई के अंदर पार्क करेगा तो आरबीआई उसको इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करेगा, और उसके अलावा गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी उसके पास रखता है, बैंक के पास रखता है, बराबर ना। ओके, अभी सिचुएशन आई कोरोना की। कोरोना की सिचुएशन के अंदर लोग बैंक में डिपॉजिट कम रख रहे थे, उसके अलावा बैंक से लोन भी कम ले रहे थे। तो बैंक का जो इनकम का सोर्स है आपको पता है कि भाई लोन है, तो अगर कोई लोन ही नहीं लेगा तो बैंक की इनकम कैसे जनरेट होगी। तो उस टाइम पे बैंक क्या करती थी कि उसके पास जितने भी सरप्लस मनी है ना, वो लोन में तो कोई ले नहीं रहा था, तो अपना पैसा कहाँ पे पार्क करती थी, आरबीआई के पास, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं आरबीआई के पास पैसा रखूँगा तो वो मुझे इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी, राइट। ओके, और उसके अलावा उसको क्या मिलेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो आरबीआई को पता चला कि भाई बैंक अपना बिजनेस नहीं कर रही है, बिजनेस चलो कोरोना की वजह से बंद हो गया है, कम हो गया है, राइट, लेकिन वो ट्राई नहीं करे, क्यों, क्योंकि उसको आरबीआई की तरफ से सफिशियंट पैसा मिल जाता है कि उसके स्टाफ के सैलरी वगैरह निकल जाए, राइट। और इसमें आरबीआई का दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि आरबीआई को जितना भी बैंक उसके अंदर पैसा पार्क करती है उतना उतने इक्विवेलेंट अमाउंट में आरबीआई को क्या देना पड़ रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। और अगर आपको फ्रेंड्स पता हो कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व के अंदर क्या क्या अकाउंट काउंट किया जाता है, भी हमारे पास कितनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, हमारे पास कितनी गोल्ड है, राइट, हमारे पास कितना ये जो SDR स्पेशल ड्रॉइंग राइट फैसिलिटी है,
ये हम बाद में बात करेंगे एसडीआर क्या होता है, राइट। एक टाइप का आप करेंसी ही मान सकते हो उसको। तो ये सब चीज़ें हमारे पास कितनी हैं, जितनी ज़्यादा हमारे पास ये सब चीज़ें हो कि उतना हमारा फॉरेक्स रिजर्व मजबूत होगा और हमको ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे से लोन मिल सकेगी, राइट। तो अगर हमारी आरबीआई की अगर आरबीआई के अंदर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी रही है आरबीआई के तिजोरी के अंदर, और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर आरबीआई को बैंक को देना पड़ रहा है, तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी यहाँ से कम हो जाएगी, तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व कम हो जाएगा, तो हमको मार्केट में से कम लोन मिल पाएगी, राइट। तो आरबीआई यहाँ पे उसने दो ऑप्शन रखे कि भाई अगर अब देखो कोरोना की सिचुएशन है, आरबीआई ना तो नहीं बोलेगा कि भाई मैं आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करूँगा या तो फिर मैं आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करूँगा, राइट। लेकिन यहाँ पे आरबीआई ने बैंकों के सामने दो ऑप्शन रखे कि आपको मेरे आरबीआई के अंदर, मतलब आपको मेरे अंदर मनी पार्क करना है तो करो, राइट। लेकिन दो ऑप्शन है आपके पास, अगर आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी चाहिए, अगर आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी चाहिए तो मैं आपको 3.35% रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करूँगा, और अगर आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं चाहिए तो मैं आपको 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करूँगा। तो ये 3.35% रेट किसका है, रिवर्स रेपो रेट, और 6% रेट किसका है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट। मतलब यहाँ पे आपको समझ में आया फ्रेंड्स कि बैंक अपना सरप्लस मनी अगर आरबीआई के अंदर पार्क करेगी, तो अगर बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटी चाहिए आरबीआई की तरफ से, तो उसको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, 3.35%। अगर बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं चाहिए तो उसको 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर पैसा वापस मिलेगा, सिंपल, बराबर ना, राइट। तो ये दोनों काम सेम है लेकिन जस्ट इतना डिफरेंस है, बराबर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। फिर अभी देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि भाई एसएलआर क्या है, कि बैंक को अपने पास 100 रुपये जो डिपॉजिट है उसमें से 18 रुपये है ना एज अ एसएलआर मेंटेन करना पड़ेगा, और ये एसएलआर के अंदर क्या आएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी शामिल होगी, राइट। ओके, तो अभी हमने बात की कि भाई रेपो रेट के लिए बैंक को आरबीआई के पास गिरवे रखना पड़ता है, अगर रेपो रेट के माध्यम से लोन लेना है तो बैंक को आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवे रखना पड़ता है, और उसके बदले में आरबीआई उसको इतनी अमाउंट में लोन प्रोवाइड करती है, राइट। और उसी रेट को रेपो रेट बोलते हैं, जो रेट है वो इंटरेस्ट वो चार्ज करती है वो। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक के द्वारा गिरवे रखी जाती है ना, वो बैंक ने जो एसएलआर में रखी है ना उसके अलावा वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, राइट। अगर बैंक के पास एसएलआर के अलावा कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है, और फिर भी उसको लोन लेने की ज़रूरत पड़ी, फिर भी उसको लोन लेने की ज़रूरत पड़ी, तो वो एसएलआर में रहे जो उसकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसका यूज़ करके वो लोन ले सकता है आरबीआई के पास से, बराबर ना। लेकिन वो लोन कौन से रेट के ऊपर मिलेगा उसको, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट के ऊपर मिलेगा, और वो कितना है, 6.50%। मतलब बैंक ने यहाँ पे एसएलआर के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो रही है उसका उपयोग करके आरबीआई के पास से लोन लिया, तो उसके उसके पास ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया गया है, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बैंक रेट, जब बैंक को कोई लंबी अवधि के लिए लोन चाहिए, बराबर ना, कंपेरेटिवली यहाँ पे ये जो एमएसएफ के अंदर, एसडीएफ के अंदर, रिवर्स रेपो रेट के अंदर, मैक्सिमम 14 डेज के लिए लोन मिलती है, राइट। लेकिन बैंक रेट के अंदर नॉर्मली ज़्यादा दिन के लिए लोन मिलती है, राइट। ओके, फिर उसके अलावा कैश रिजर्व रेशियो की बात करें, तो फॉर एग्जांपल बैंक के पास 100 रुपया एज अ डिपॉजिट आया, 100 रुपया एज अ डिपॉजिट आया, तो उसमें से उसको 4.50% उसमें से उसको 4.50% आरबीआई के अंदर जमा करवाने पड़ेंगे, नहीं सॉरी। उसके अलावा अगर मैं कैश रिजर्व रेशियो की बात करूँ, तो फॉर एग्जाम्पल बैंक के पास 100 रुपया डिपॉजिट आया, तो उसमें से उसको 4.50 रुपीज़ आरबीआई के अंदर जमा करवाने पड़ेंगे एज अ कैश रिजर्व रेशियो, बराबर ना। और आरबीआई उसके बदले में उसको कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करेगा, राइट। ओके, और एसएलआर मैंने बात किया कि भाई 100 रुपया डिपॉजिट आए उसमें से 18 रुपया यहाँ पे बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में, बॉन्ड डिबेंचर्स के फॉर्म में, बराबर ना, ये रखना है, बराबर ना। और ऐसे ये ऐसी सिक्योरिटीज़ है कि जो हाईली लिक्विड असेट है, जो बैंक तुरंत मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं जब उसको रिक्वायर हो, और ये एसएलआर के अंदर जो भी चीज़ उसने रखी है वो बैंक अपने पास ही रखेगा, बराबर ना। यहाँ पे बैंक को आरबीआई के पास जमा करवाना पड़ेगा, लेकिन ये बैंक अपने पास ही रखता है, राइट। तो आई थिंक आपको ये सभी रेट्स के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। और ये अभी ये सभी रेट्स के अंदर इंक्रीमेंट देखने को मिला है, क्यों, क्योंकि अभी मॉनेटरी पॉलिसी का स्टांस क्या है,
विथड्रॉवल ऑफ अकोमोडेशन, विथड्रॉवल ऑफ अकोमोडेशन का मतलब क्या है कि कोरोना टाइम पे जो मॉनिटरी पॉलिसी का स्टांस क्या था, ये अकोमोडेटिव स्टांस था, मतलब रेपो रेट कम था कोरोना टाइम पे। रेपो रेट कम होगा तो बैंकों को सस्ते दर के ऊपर लोन मिलेगी, बैंकों को सस्ते दर के ऊपर लोन मिलेगी तो बैंक ज़्यादा लोन लेगी आरबीआई से, और वो कस्टमर को ज़्यादा लोन देगी सस्ते दर के ऊपर, तो कस्टमर के पास ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो उसका परचेसिंग पावर बढ़ जाएगा और मार्केट में क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा, क्योंकि सब लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे तो चीज़ों की प्राइस बढ़ेगी ना। तो ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अभी कौन सा स्टांस रखा गया है, विड्रोवल ऑफ अकोमोडेशन का स्टांस रखा गया है, बराबर ना। मतलब जो मार्केट में सरप्लस मनी कोरोना की वजह से घूम रहा है उसको वापस खींचना है अभी, बराबर ना। इसके लिए रेपो रेट बढ़ाया गया है 35 बेसिस पॉइंट से, रेपो रेट बढ़ाया गया है तो बैंकों को लोन महंगी पड़ेगी, बैंकों को लोन महंगी पड़ेगी तो बैंक आरबीआई से कम लोन लेगी, बैंक आरबीआई से कम लोन लेगी तो वो कस्टमर को कम प्रोवाइड करेगी, कस्टमर कम लोन लेगी तो मार्केट में डिमांड कम करेगी, अल्टीमेटली चीज़ों के प्राइस वापस से कंट्रोल में आ जाएंगे। तो ये विड्रोवल ऑफ अकोमोडेटिव स्टांस है, ओके। तो आई थिंक आपको इस सभी रेट्स के अंदर अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। और इसी मॉनेटरी पॉलिसी के दौरान मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा कुछ अनाउंसमेंट किए गए हैं, उसके बारे में बात करते हैं कि आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है सिंगल ब्लॉक एंड मल्टीपल डेबिट फंक्शनलिटी इन द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई। आपको फ्रेंड्स पता है कि यूपीआई किसके द्वारा डेवलप किया गया है, एनपीसीए के द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये एनपीसीए के द्वारा एक नया फंक्शन ऐड किया गया है यूपीआई के अंदर, इस फंक्शन का नाम क्या है, सिंगल ब्लॉक एंड मल्टीपल डेबिट फंक्शनलिटी। अभी इसका मतलब क्या हो गया कि फॉर एग्जांपल आपका सैलरी 5 तारीख को होता है फॉर एग्जांपल, और आपको पता है कि भाई 25th डेट को, ये मंथ के 25वीं तारीख को मेरा एक ईएमआई कटने वाला है, मेरा एक ईएमआई कटने वाला है। लेकिन अगर हम मिडिल क्लास फैमिली, 5 तारीख को सैलरी होता है तो 25 तारीख तक आते आते तो पूरा पॉकेट खाली हो जाता है, राइट। तो ईएमआई के लिए हमको इधर उधर से बंदोबस्त करना पड़ता है, राइट। तो इसके लिए यूपीआई के द्वारा एक फंक्शन ऐड किया गया है कि जैसे ही आपका सैलरी आए, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 तारीख को सैलरी आया और आपका ईएमआई फॉर एग्ज़ाम्पल 5,000 रुपये का ईएमआई है फॉर एग्ज़ाम्पल, बराबर ना। तो आपने ये 5 तारीख को सैलरी आया और ये 10,000 इस सैलरी में से फॉर एग्ज़ाम्पल ये पर्टिकुलर ईएमआई के लिए ब्लॉक कर दिए, ये यूपीआई के माध्यम से, राइट। 10,000 ईएमआई को पे करने के लिए, ये पर्टिकुलर ईएमआई को पे करने के लिए जो आपका 25th तारीख को कटता है, बराबर ना, उसके लिए ब्लॉक कर दिए। तो ये 10,000 आप वो ईएमआई के अंदर ही कटेगा, आप उसको और कोई जगह पे यूज़ नहीं कर सकते, ये आपका अमाउंट ब्लॉक हो गया, राइट। मतलब फॉर जब भी 25 तारीख आएगी तो ये 10,000 में से 5,000 रुपये ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट 25 तारीख आएगी तो उसमें से और 5,000 ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा। तो मतलब आपको अभी आपने उस पर्पज़ के लिए अमाउंट को ब्लॉक कर दिया एक बार, तो वो मल्टीपल डेबिट होता रहेगा जब तक उसके अंदर पैसा है तब तक, राइट। तो ये यूपीआई के अंदर एक फंक्शन ऐड किया जाएगा किसके द्वारा, एनपीसीए के द्वारा, सिंगल ब्लॉक एंड मल्टीपल डेबिट फंक्शनलिटी। आई थिंक आपको इसके अंदर समझ में आया होगा, राइट। उसके अलावा आरबीआई डिसाइडेड टू एक्सपेंड द स्कोप ऑफ द भारत बिल पेमेंट सिस्टम, बीबीपीएस। अभी ये क्या है कि हर महीने आपको मैसेज आ जाता है कि भाई आपका ये बिल ड्यू है, आपका गैस बिल ड्यू है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू है, बराबर ना, आपका पोस्टपेड बिल ड्यू है, बराबर ना। तो ये सब मैसेज आपको आ जाते हैं, क्यों, ये किसकी देन है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, जो आपको मैंडेट करता है कि भाई आपका ये पेमेंट ड्यू है जो आपको इस तारीख तक पे करना है। तो अभी तक ये जो रिकरिंग पेमेंट्स था ना उसी का आपको मैंडेट प्रोवाइड करता था, लेकिन अभी वो जो नॉन रिकरिंग पेमेंट होगा ना उसका भी आपको मैंडेट प्रोवाइड करेगा। नॉन रिकरिंग पेमेंट लाइक एजुकेशन फीस, प्रोफेशनल सर्विसेज की फ़ी, टैक्स पेमेंट्स, रेंट कलेक्शन, तो ये सब के बारे में भी वो आपको मैंडेट करेगा और अब उसके माध्यम से फिर आप पैसा ट्रांसफ़र कर पाओगे। तो भारत बिल पेमेंट सिस्टम के अंदर अभी रिकरिंग के अलावा नॉन रिकरिंग पेमेंट्स को का भी मैंडेट किया जाएगा कस्टमर्स को, राइट। तो ये एक चीज़ अनाउंस किया गया है। उसके अलावा बैंक शुड नॉट आस्क फॉर द वेरिफिकेशन एट द ब्रांच लेवल इफ ई केवाईसी डन। आपको पता है कि भाई अभी कोरोना के टाइम से, बराबर ना, कि
नो योर कस्टमर, KYC, वो eKYC हो गया है, मतलब आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन अकाउंट ओपन करवा सकते हो eKYC करके, बराबर ना। तो अगर आपने eKYC सेंट्रल KYC पोर्टल के ऊपर किया है एज अ कस्टमर, तो ये आपका जो KYC का जो डिटेल है ना, वो सभी ब्रांच सभी बैंक के पास एक्सेसिबल होगा, अगर आपने सेंट्रल KYC पोर्टल के ऊपर आपका eKYC किया है तो। RBI ने क्या बोला, अगर किसी कस्टमर ने सेंट्रल KYC पोर्टल के ऊपर eKYC किया है, तो उसको कोई भी ब्रांच में जाके फिर से KYC वेरिफिकेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप उसको मेल कर देना है वो पर्टिकुलर ब्रांच को कि भाई मैंने ये eKYC पोर्टल पे मेरा डेटा अपलोड किया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो, सिंपल, बराबर ना। ओके, तो ये तीन अनाउंसमेंट एडिशनली की है RBI ने ये मॉनिटरी पॉलिसी के दौरान। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो ये मॉनिटरी पॉलिसी जो हर 2 महीने लॉन्च की जाती है, वो कौन प्रिपेयर करता है? तो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी प्रिपेयर करती है। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर कितने मेंबर्स होते हैं? 6 मेंबर्स होते हैं। कौन कौन से मेंबर हैं? डॉक्टर शशांक भिड़े, डॉक्टर अशीमा गोयल, प्रोफेसर जयंत वर्मा, डॉक्टर राजीव रंजन, डॉक्टर माइकल पात्रा, एंड विच इज इस मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी को हेड कौन करता है? RBI के गवर्नर शक्तिकांता दास। ओके, तो आई थिंक आपको इस पूरी न्यूज़ के अंदर अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अगर मैं RBI की बात करूं, तो RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को, बराबर ना, अकॉर्डिंग टू द RBI Act 1934। उसके अलावा RBI की जो पहले सेंट्रल ऑफिस थी, वो पहले कलकत्ता में थी, फिर उसको शिफ्ट किया गया 1937 के अंदर मुंबई के अंदर, बराबर ना। और उसके अलावा ओरिजिनली प्राइवेट नहीं ओन था RBI, लेकिन उसको फिर नेशनलाइज किया गया 1949 के अंदर, बराबर ना। एंड नाउ रिजर्व बैंक इज़ फुल्ली ओन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली फोर्ब्स के द्वारा अनाउंस किया गया है एनुअल लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन, और उसमें भारतीय महिलाओं, बहुत सारे भारतीय महिलाओं ने उसके अंदर नाम अपना एस्टेब्लिश किया है, तो उनके बारे में बात करते हैं। कि अकॉर्डिंग टू द 19th एनुअल फोर्ब्स लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन फॉर द ईयर 2022, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन, बायोकॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन किरण मजूमदार शो एंड नाइका क्रिएटर फाल्गुनी नायर आर अमंग द 6 इंडियंस हु हैव मेड द लिस्ट, बराबर ना। टोटल 6 इंडियन वुमेन पर्सनलिटी ने यहाँ पे अपना नाम यहाँ पे बनाया है ये फोर्ब्स की लिस्ट के अंदर, बराबर ना। और कौन कौन से फीमेल पर्सनैलिटी कौन से नंबर पे है उसके बारे में बात करते हैं, बराबर ना। तो अगर मैं वर्ल्ड की सबसे मोस्ट पावरफुल वुमेन की बात करूं, तो अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स उर्सुला वंडर लेयन जो जर्मनी से बिलोंग करती है, बराबर ना, वो फर्स्ट नंबर पे है। सेकंड नंबर पे क्रिस्टिन लगार्डे जो फ्रांस से बिलोंग करती है। थर्ड नंबर पे कमला हैरिस जो US से बिलोंग करती है। और हमारे निर्मल सीतारामन 36 नंबर पर है। रोशनी नादर जो HCL की फाउंडर है, बराबर ना, तो वो 53 नंबर पर है। उसके अलावा मदामी पुरी बुज जो SEBI की फर्स्ट चेयरपर्सन है, वुमेन चेयरपर्सन, बराबर ना, तो वो 54 नंबर पे है। सुमा मंडल जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की फर्स्ट चेयरपर्सन है, जो 67 नंबर पे है। किरण मजूमदार शो जो बायोकॉन कंपनी की फाउंडर है, जो 77 नंबर पे है। और फाल्गुनी नायर जो नायका कंपनी के फाउंडर है, जो 89 नंबर पे है। तो ये इंडियन वुमेन पर्सनैलिटीज़ के जो फोर्ब्स की टॉप 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट के अंदर है, बराबर ना। और उसमें सबसे ऊपर कौन है? निर्मला सीतारामन। और अगर वर्ल्ड लेवल पे बात करें, तो उर्सुला वंडर लेयन जो जर्मनी से बिलोंग करती है, बराबर ना। अगर मैं निर्मला सीतारामन की बात करूं, तो निर्मला सीतारामन हमारे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है, बराबर ना, जो 36 नंबर पर आए हैं। और ये इस लिस्ट के अंदर 4 साल से कंटिन्यूसली आ रहे हैं। 2019 में वो 34 नंबर पे थे, 2020 के अंदर 41 नंबर पे, 2021 के अंदर 37 नंबर पे, और इस बार 36 नंबर पे है, बराबर। अगर मैं किरण मजूमदार शो की बात करूँ, तो किरण मजूमदार शो वो भारत के सबसे रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन है, मतलब वो उन्होंने खुद से ये कंपनी बनाई है और अभी तक ये पोजिशन पे वो पहुंचे हैं, बराबर ना, राइट। तो ये जो फाल्गुनी नायर है, रोशनी नादर है, वो रिचेस्ट वुमेन में की लिस्ट में आती है, लेकिन वो उनको हेरिडिटी में ये कंपनी मिली है, बराबर ना, सिंपल। उनके फादर की कंपनी है, राइट, तो उनको यस एज अ लीगल हेयर उनको ये कंपनी मिली है, बराबर ना। लेकिन किरण मजूमदार शो ने खुद से कंपनी बनाई है बायोकॉन, बराबर ना, और वो बिलियनर्स की लिस्ट में आई है। ओके, तो अगर आपको पूछा जाए कि सेल्फ मेड वुमेन के अंदर सबसे रिचेस्ट पर्सन भारत में कौन है, फीमेल रिचेस्ट फीमेल वुमेन, तो किरण मजूमदार शो। ओके,
हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने एक्सटेंड किया है रूफटॉप सोलर स्कीम टिल मार्च 2026। तो इसके बारे में बात करते हैं, बराबर ना। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि भाई ये रूफटॉप सोलर स्कीम क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। रूफटॉप सोलर प्रोग्राम की अगर बात करूँ तो ये अनाउंस किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। कौन है उसके मिनिस्टर? RKC राजकुमार सिंह, राइट। उनके द्वारा ये स्कीम अनाउंस किया गया था, मिनी रूफटॉप सोलर प्रोग्राम, बराबर ना। उसके अंदर क्या करना है, उसके अंदर उसके फीचर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे सब्सिडी मिलती है, 40% सब्सिडी मिलती है और 20% सब्सिडी मिलती है। आपको पता है कि भाई रूफटॉप सोलर के अंदर पैनल को लगाना पड़ता है, एक सोलर पैनल को लगाना पड़ता है। ये सोलर पैनल की कुछ कैपेसिटी होती है, तो अगर एज अ कस्टमर अगर आपने अप टू 3 किलोवाट की कैपेसिटी वाला पैनल का आपने रूफटॉप सोलर प्लांट लगाया अपने रूफ के ऊपर, तो आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी? 40%। और अगर आपने 3 किलोवाट से लेके 10 किलोवाट की कैपेसिटी वाला अगर आपने रूफटॉप सोलर प्लांट अपने रूफ के ऊपर लगाया तो आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी? 20%, बराबर ना। और ये सब्सिडी आपको कब मिलेगी? अगर आप नेशनल पोर्टल जो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का, उस नेशनल पोर्टल के ऊपर जाके अगर आप अप्लाई करोगे ये पर्टिकुलर रूफटॉप सोलर प्लांट के लिए, बराबर ना, तो ही आपको ये सब्सिडी मिलेगी। उसके अलावा ये जो पैनल को इंस्टॉल करने का जो फी चार्ज है ना, वो भी यहाँ पर नहीं लिया जाता, बराबर ना, राइट। तो ये 40% सब्सिडी 3 किलोवाट तक और 20% सब्सिडी 3 से 10 किलोवाट तक। उसके अलावा अगर आप नेशनल पोर्टल से अप्लाई करते हो तो आपका इंस्टॉलेशन चार्ज भी नहीं लिया जाता इस स्कीम के अंडर में, बराबर ना। तो ये रूफटॉप सोलर प्रोग्राम का फीचर है, राइट। तो ये एक्चुअली 31 दिसंबर 2022 का इस स्कीम का लास्ट डेट था, लेकिन उसका जो टारगेट है कि भाई ये स्कीम के माध्यम से कितने रूफटॉप सोलर प्लांट एस्टेब्लिश करने हैं कि जब तक 40,000 मेगावाट जनरेट नहीं हो जाता तब तक, तो ये अभी टारगेट अचीव नहीं हुआ है। इसके लिए उसकी डेडलाइन 4 साल और एक्सटेंड की गई है 2026 तक। ओके, हमारे नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली एक स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज हुई, और एक्सरसाइज का नाम क्या है? संगम, बराबर ना। तो संगम एक्सरसाइज कौन सी दो कंट्री के बीच में हुई? इंडिया और US के बीच में हुई। और ये इंडिया और US की जो नेवी के जो स्पेशल फोर्सेस हैं उसके बीच में हुई है, बराबर ना। और ये कहाँ पे हुई है? तो इंडिया के अंदर, गोवा के अंदर, बराबर ना। तो इस एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं कि अभी रिसेंटली 7th एडिशन हुआ संगम एक्सरसाइज का। संगम इज़ अ जॉइंट नवल स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग द इंडियन नेवी मरीन कमांडोज, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं मार्कोस, एंड US की सी एयर एंड लैंड टीम्स, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सील टीम्स, बराबर ना। तो संगम एक्सरसाइज नेवी की स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज है जो इंडिया और US के बीच में होती है। तो उसमें इंडिया की तरफ से मरीन कमांडोज मार्कोस ने पार्टिसिपेट किया और US की तरफ से सील टीम, जिसको बोलते हैं सी एयर एंड लैंड टीम्स, ने पार्टिसिपेट किया, बराबर ना। ये एक्सरसाइज कब से होती है? तो कहीं 1994 से होती है। ये कौन सी एडिशन थी? 7th एडिशन। कहाँ पे हुई? गोवा के अंदर। ये एक्सरसाइज क्यों होती है? द टू कंट्रीज व्यू इट इज़ अ सिग्निफिकेंट मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक एंडेवर दैट डेमोन्स्ट्रेट्स देयर म्यूचुअल गुडविल एंड कोऑपरेशन। तो दोनों स्टेट कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन एस्टेब्लिश करने के लिए ये इंडिया और US के बीच में ये एक्सरसाइज संगम की जाती है, बराबर ना। ओके, तो ये संगम एक्सरसाइज के अंदर इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया मरीन कमांडोज ने, लेकिन ये मरीन कमांडोज कौन से शिप पे काम करते हैं? तो INS अभिमन्यु के अंदर, बराबर ना। तो अगर शिप के बारे में बात की जाए तो INS अभिमन्यु, और अगर कमांडोज के ग्रुप के बारे में बात की जाए तो मरीन कमांडोज के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया इस संगम एक्सरसाइज के अंदर, बराबर ना। ये एक्सरसाइज का एम है टू फैसिलिटेट द आइडियाज़ एंड नॉलेज शेयरिंग ऑन द मेनी फैसेट्स ऑफ द मैरीटाइम स्पेशल ऑपरेशंस। तो मैरीटाइम स्पेशल ऑपरेशंस के अंदर दोनों कंट्रीज एक दूसरे का नॉलेज शेयर कर रही है इस एक्सरसाइज के दौरान, और कोऑपरेशन एस्टेब्लिश कर रही है, बराबर ना। और उसके अंदर इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया है मरीन कमांडोज फ्रॉम द इंडियन नेवल शिप अभिमन्यु, बराबर ना। ओके, एक्सरसाइज की बात करूँ तो संगम के अलावा अभी रिसेंटली मलाबार एक्सरसाइज हुई थी, एक्सरसाइज मलाबार।
एक्सरसाइज मतलब हर एक्चुअली एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जो इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया, जिसको हम क्वाड कंट्रीज बोलते हैं, उनके बीच में होती है, और ये भी नेवी की एक्सरसाइज है, बराबर ना। और वहाँ पे भी मरीन कमांडोज ने पार्टिसिपेट किया था, बराबर ना। उसके अलावा अभी रिसेंटली हमने लास्ट वीक ही पढ़ा था कि अभी एक एक्सरसाइज हुई युद्ध अभ्यास, जो एक मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जो इंडिया और यूएस के बीच में होती है, बराबर ना। तो ये युद्ध अभ्यास का 17th एडिशन था। 17th एडिशन एक्चुअली अलास्का यूएसए के अंदर हुआ था, और जो इंडिया के अंदर हुआ था लास्ट युद्ध अभ्यास 18th एडिशन, वो हुआ था महाराष्ट्र के अंदर, देवलाली के अंदर, बराबर ना। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना। और एक एक्सरसाइज है, अभी रिसेंटली हुआ था बांग्लादेश इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2022। ये बांग्लादेश इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2022 एक एक्सरसाइज है, बराबर ना, एक मल्टीनेशनल नेवी की एक्सरसाइज है। और इस एक्सरसाइज को होस्ट कौन करता है? बांग्लादेश हर साल। और इस एक्सरसाइज को कब कंडक्ट किया जाता है? ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द शेख मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश कंट्री के फादर ऑफ द नेशन माने जाते हैं, बराबर ना। तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर हर साल बांग्लादेश के द्वारा इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू आयोजित किया जाता है, और उसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ के शिप्स बराबर पार्टिसिपेट करते हैं, बराबर ना, नवल फोर्सेस पार्टिसिपेट करते हैं। और उसके अंदर इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था? तो INS कोची, INS कावरती और INS सुमेधा ने उसके अंदर इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया था, बराबर ना। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि BNIFR 2022 वो कौन कंडक्ट करता है, कौन होस्ट करता है? बांग्लादेश। कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द शेख मुजीबुर रहमान। और उसके अलावा ये मल्टीनेशनल नेवी की एक्सरसाइज है, और इसके अंदर इंडिया की तरफ से INS कोची, INS कावरती और INS सुमेधा के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था, बराबर ना। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा एक रिपोर्ट अनाउंस किया गया है, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि इंडिया 2022 से लेकर 2027 तक रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर 145 GW ऐड करेगा। इस रिपोर्ट के बारे में बात करता है कि अभी रिसेंटली इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इन इट्स लेटेस्ट रिपोर्ट स्टेट्स दैट कि इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू एड 145 GW ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, विथ द सोलर एनर्जी अकाउंटिंग फॉर द 75%। इंडिया 2022 से लेकर 2027 तक 145 GW तो ऐड करेगा ही करेगा, और उसके अंदर ये 145 GW के अंदर 75% कंट्रीब्यूशन कौन सी एनर्जी का होगा? सोलर एनर्जी का होगा, राइट। और इंडिया का अल्टीमेटली टारगेट क्या है कि इंडिया अचीव करेगा 500 GW इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम द नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी रिसोर्सेज, बराबर है, जहाँ से कार्बन एमिशन नहीं होता, राइट। तो ये 2030 तक का हमारा टारगेट है 500 GW नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी सोर्सेज से एनर्जी जनरेट करने का, और उसके अलावा 2022 से लेकर 2027 तक 145 GW जनरेट करने का, बराबर ना, रिन्यूएबल एनर्जी से, और उसमें 75% तो सोलर एनर्जी से आएगा, बराबर, प्रिडिक्ट किया जा रहा है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा, राइट। ओके, तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 75% तो सोलर पावर से आएगा, 15% ऑनशोर विंड टर्बाइन से आएगा, और बाकी का रिमेनिंग जो है वो हाइड्रो पावर से आएगा। अभी ऑनशोर विंड टर्बाइन मतलब क्या? तो देखो, विंड पावर दो टाइप के होते हैं। विंड पावर के माध्यम से हम दो तरीके से हम पावर जनरेट कर सकते हैं, एक तो ऑनशोर और एक ऑफशोर। ऑनशोर का मतलब है कि विंड टर्बाइन्स को ज़मीन के ऊपर खड़ा करना, ऑफशोर का मतलब है विंड टर्बाइन्स को पानी के अंदर खड़ा करना। तो इंडिया के पास ऑफशोर टेक्नोलॉजी बहुत ही कम है, तो ये 15% विंड पावर प्रोड्यूस किया जाएगा, बराबर, विंड पावर की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी, और वो भी कौन सा है? ऑनशोर विंड पावर्स है। 75% सोलर पावर का यूज़ करके और बाकी का रिमेनिंग हाइड्रो पावर का यूज़ करके, बराबर ना। ओके, इंडिया का टारगेट था कि 2022 के एंड तक वो 175 GW रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, और उसमें से इसने 172.72 GW रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर ली है 2022 तक, बराबर ना। अगर मैं अक्टूबर 2022 तक के डेटा की बात करूँ तो 172.72 GW प्रोड्यूस हो चुके हैं, बराबर ना। और अभी इंडिया का टारगेट है 500 GW नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी से प्रोड्यूस करना, बराबर ना। ओके, चल, तो यहाँ पे इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि 2027 तक इंडिया 145 GW रिन्यूएबल एनर्जी एस्टैब्लिश करेगा, और उसमें 75% सोलर पावर का कंट्रीब्यूशन होगा। तो ये क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इंडिया की तरफ से सोलर पावर के ऊपर दो सटीक पॉलिसीज अनाउंस किए गए हैं, बराबर ना। उसमें से एक पॉलिसी ऐसी है कि सोलर पावर को प्रोड्यूस करने के लिए
दो चीज़ की रिक्वायरमेंट है मेनली, एक तो पीवी मॉड्यूल्स, फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल्स, और एक है सोलर सेल, एक है सोलर सेल। तो ये जो दो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं सोलर पावर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, ये दोनों ही मॉड्यूल, दोनों ही एलिमेंट्स अभी तक हम इम्पोर्ट करवाते थे। लेकिन अभी सरकार ने क्या स्टेप लिया है कि अभी उसके इम्पोर्ट पे जो कस्टम ड्यूटी लगती है ना, जो पहले 15% लगती थी बराबर ना, अभी उसको कितना कर दिया है, 40%। अगर मैं पीवी मॉड्यूल्स की बात करूँ तो, अगर मैं सोलर सेलर की बात करूँ तो उसके ऊपर पहले 15% कस्टम ड्यूटी लगती थी, अभी कितना कर दिया है, 25% कर दिया है, बराबर ना। तो दोनों के इम्पोर्ट के ऊपर ड्यूटीज़ बढ़ा दी है, तो ताकि लोग इम्पोर्ट कम करें और इसी चीज़ को डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चरिंग किया जाए। उसके अलावा प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम अनाउंस की गई है, किसके अंदर, फोटोवोल्टेइक मैन्युफैक्चरिंग के लिए, फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। मैंने बात किया कि फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल्स अभी तक हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करवाते थे, तो उसी चीज़ को डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करने के लिए ये प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम अनाउंस की गई है कि जो भी कंपनी फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के अंदर बनाएगी, उसको उसके प्रोडक्शन के हिसाब से इंसेंटिव दिया जाएगा। और ये इंसेंटिव, ये PLI स्कीम, ये फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स के लिए कब तक दी जाएगी, जब तक 9 गीगावाट्स के PV मॉड्यूल्स इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर नहीं होते तब तक, बराबर ना। तो दो इम्पोर्टेंट स्कीम के अनाउंसमेंट की वजह से इंडिया के अंदर डोमेस्टिकली पीवी मॉड्यूल्स का और सोलर सेल का उत्पादन बढ़ा है, और सोलर पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट का कंट्रीब्यूशन भी बढ़ा है, बराबर ना, राइट। अगर मैं ग्लोबल लेवल पे बात करूँ तो 2027 तक जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी उसमें से 90% शेयर है ना रिन्यूएबल एनर्जी का होगा, और उसमें सबसे ज़्यादा कहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस होगा रिन्यूएबल एनर्जी, इंडिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन और US, बराबर ना, राइट। और रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल पावर कैपेसिटी एडिशन विल ग्रो टू 2400 गीगावाट बिटवीन द 2022 एंड 2027। दिस एक्सपेंशन वॉज 85% फास्टर देन द प्रीवियस 5 ईयर्स। अगर हम 5 साल की बात करें, 2022 से लेकर 2023 तक, तो इतना प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि 2400 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी पावर कैपेसिटी एडिशन होगा। इतना 2400 गीगावाट 5 साल के अंदर, जो 85% फास्टर देन द प्रीवियस 5 ईयर्स, बराबर ना। तो ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है, ओके। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर अच्छे से समझ में आया होगा। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि इंडियाज मनीषा रामदास विंस बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2020-22। इसके बारे में बात करते हैं कि इंडियन शटलर मनीषा रामदास की, जो मात्र 17 साल की है, उन्होंने अभी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है, राइट। अभी रिसेंटली जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एनुअल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड्स जो अनाउंस किए गए उसके अंदर, बराबर ना। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो ये मनीषा रामदास जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था अभी रिसेंटली जो वुमेन सिंगल कैटेगरी के अंदर, जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का जो पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था उसके अंदर, बराबर ना। तो उनको पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर वुमेन कैटेगरी के अंदर ये अवार्ड दिया गया है, बराबर ना, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा। देखो जिस तरीके से क्रिकेट के अंदर नेशनल लेवल पर BCCI है, उसी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर कौन है, ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। उसी तरीके से बैडमिंटन के अंदर इंटरनेशनल लेवल पर कौन है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, बराबर ना। तो ये इंटरनेशनल लेवल का अवार्ड है और प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड पैरा बैडमिंटन कैटेगरी के अंदर, बराबर ना, वुमेन कैटेगरी के अंदर किसको दिया गया है, मनीषा रामदास, जो इंडियन पर्सनालिटी है, 17 साल की ये गर्ल ने, बराबर ना, ये गोल्ड मेडल जीता था पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप जो 2022 के अंदर हुआ था उसके अंदर, बराबर ना, राइट। अगर मैं दूसरे अवार्ड्स की बात करूँ तो मेल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड नॉर्मल कैटेगरी के अंदर किसको मिला है, विक्टर एक्सेलसन, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, डेनमार्क। फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है, अकानी यामागुची, जो जापान से बिलोंग करते हैं। उसके अलावा पैरा बैडमिंटन मेल प्लेयर ऑफ द ईयर किसको मिला है, डाइकी काजीवारा, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, जापान। और पैरा बैडमिंटन फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है मनीषा रामदास को, जो इंडिया से बिलोंग करती है, बराबर ना। तो आई थिंक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और उसके अलावा मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर ऑफ द ईयर जिनको फाजर अल्फान और मोहम्मद रायन, जो इंडोनेशिया से बिलोंग करते हैं, पर उनको ये अवार्ड मिला है, बराबर ना। तो आपको इस अवार्ड को एक बार पढ़ लेना है। उसके अलावा मनीषा रामदास जो भारत से बिलोंग करती है, उनको पैरा बैडमिंटन
वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, इसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कौन सा अवार्ड मिला है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, बराबर ना। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट ने एक पोर्टल डेवलप किया है, इस पोर्टल का नाम है घर पोर्टल, उसका फुल फॉर्म है गो होम एंड री यूनाइट, गो होम एंड री यूनाइट। इस पोर्टल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि पोर्टल है डेजिग्नेटेड पोर्टल फॉर द रिस्टोरेशन एंड रिपैट्रिएशन ऑफ द चिल्ड्रन, राइट। अभी ये न्यूज़ क्या है उसके बारे में समझते हैं। देखो कि भारत के अंदर जुबिलिंग जस्टिस एक्ट, जुबिलिंग जस्टिस एक्ट 2015 ये बनाया गया है किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा ये जुबिलिंग जस्टिस एक्ट बनाया गया है, बराबर ना। तो जुबिलिंग जस्टिस एक्ट के अंडर में चाइल्ड को प्रोटेक्ट किया जाता है, चाइल्ड को प्रोटेक्ट किया जाता है, बराबर ना, चाइल्ड प्रोटेक्शन उनको मिलता है। और इस चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी CWC और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट ये एस्टैब्लिश किए गए हैं, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट ये एस्टैब्लिश किए गए हैं, बराबर ना। कौन से एक्ट के अंडर में, जुबिलिंग जस्टिस एक्ट 2015 के अंदर में, बराबर ना। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा, राइट। ओके तो अभी ये न्यूज़ रिसेंट न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि कि अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर चाइल्ड वो कोई डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मिसप्लेस कंडीशन में वो पाया गया, तो उसकी देखरेख करने का काम किसका है, तो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का। और ये डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के अंदर एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है, बराबर ना। तो ये दोनों साथ में मिलके, बराबर ना, ये संस्था और उसके अंदर ये जो कमेटी बैठती है, बराबर ना, वो पर्टिकुलर चाइल्ड की देखभाल करता है जब तक उसका कोई वारिस नहीं मिल जाता, उसके कोई पेरेंट्स नहीं मिल जाता, उसके कोई गार्डियन नहीं मिल जाता, तब तक उसकी देखभाल कौन करता है, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट करता है, बराबर ना। अभी फॉर एग्जांपल अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद मालूम पड़ा कि भाई ये उसके कोई पेरेंट्स हैं या तो फिर कोई गार्डियन है जो इसको लेने के लिए आए हैं, बराबर, या तो फिर उनको ढूंढा गया और वो अगर मिल गए, तो अगर वो उनका जो होम लोकेशन है उसके पेरेंट्स का या तो फिर उसके गार्डियन का, बराबर, अगर वो कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है, राइट, तो ये जो घर पोर्टल है ना, तो वो उस पोर्टल के माध्यम से ये चाइल्ड के जो सभी डेटा है, बराबर ना, वो सभी डेटा को कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा, जो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे उसके पेरेंट्स या फिर गार्डियन उसको लेके गए हैं, बराबर ना। फिर वहाँ की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट उसकी केयर करेंगे, बराबर ना, राइट। फिर सफिशियंट ऑब्जर्वेशन के बाद फिर उनको 100% सौंपा जाएगा चाइल्ड को, वो गार्डियन को और उस पेरेंट्स को 100% सौंपा जाएगा। लेकिन कुछ साल तक, कुछ दिन तक ये चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स उसकी देखभाल करेंगे, बराबर ना। तो यहाँ पे ये जो घर पोर्टल बनाया गया है ना, वो पूरा ये पूरे डेटा को डिजिटली ट्रांसफ़र करने के लिए और ट्रैक करने के लिए चाइल्ड को, जो भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसको रखा गया है, जो भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसके गार्डियन या पेरेंट्स उसको लेके गए हैं, बराबर ना, वहाँ पर उसको ट्रैक किया जाएगा, उनके पेरेंट्स गार्डियन का बिहेवियर को चेक किया जाएगा, बराबर ना, पीरियोडिकली उसका रिव्यू किया जाएगा, राइट। फिर उसके बाद कुछ साल के बाद सफिशिएंट ऑब्जर्वेशन के बाद उसको 100% उसके पेरेंट्स को सौंपा जाएगा, राइट। तो ये पूरी प्रोसेस को डिटेल बनाने के लिए एक घर पोर्टल अनाउंस किया गया है, किसके द्वारा, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट के द्वारा। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के बारे में, इस पोर्टल के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। घर का फुल फॉर्म याद रखना, गो होम एंड रीयूनाइट। ओके फ्रेंड्स, चलो ओके, यहाँ पे मैंने इस पोर्टल के बारे में आपको बताया है कि भाई पोर्टल कैसे काम करेगा, उसके फीचर्स के बारे में बताया है, बराबर ना, कि किस तरीके से चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स को किस तरीके से डेटा ट्रांसफ़र किया जाएगा, राइट, किस तरीके से ये घर पोर्टल चाइल्ड को ट्रैक करने पे काम में आएगा, बराबर ना, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो उसको। और ये जो पोर्टल का अनाउंसमेंट है ना, वर्ल्ड चिल्ड्रन डे के दिन के पे किया गया था, कब आता है, 20 नवंबर को आता है, बराबर ना। ओके, यहाँ पे मैंने आपको जुबिलिंग जस्टिस एक्ट के बारे में बताया है कि जुबिलिंग जस्टिस एक्ट 2015 के अंदर लॉन्च किया गया था फॉर द केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन के लिए, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा, बराबर ना। किसके लिए,
बराबर ना, टू इंश्योर द चिल्ड्रन सेफ्टी सिक्योरिटी डिग्निटी एंड वेलबींग के लिए, बराबर ना। और जुबिन जस्टिस एक्ट ऑफ 2015 प्रोटेक्ट्स द चिल्ड्रन इन द नीड ऑफ द केयर एंड प्रोटेक्शन एंड दोज इन कन्फ्लिक्ट विद द लॉ बाई मीटिंग देयर बेसिक नीड्स थ्रू द केयर प्रोटेक्शन डेवलपमेंट ट्रीटमेंट एंड सोशल इंटीग्रेशन, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, एक छोटी सी न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली पीटी उषा को सिलेक्ट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो पीटी उषा अ रिटायर्ड इंडियन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैज़ बीन नेम एज अ फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के वो पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है, बराबर ना, पीटी उषा। शी ऑल्सो बिकम द फर्स्ट ओलंपियन एंड द फर्स्ट इंटरनेशनल मेडलिस्ट टू हेड द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इन द 95 ईयर ओल्ड हिस्ट्री, बराबर ना। पहली बार किसी इंटरनेशनल मेडलिस्ट ने या तो फिर किसी ओलंपियन ने इंटरनेशनल इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को यहाँ पे उसका प्रेसिडेंसी लिया है, बराबर ना, 95 ईयर की हिस्ट्री के अंदर। शी इज ऑल्सो द फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन आफ्टर द महाराजा यदवेंद्र सिंह टू सर्व एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अंदर उसकी हिस्ट्री के अंदर अभी तक दो ही बार एज अ स्पोर्ट्स पर्सन वो प्रेसिडेंट बने हैं। तो एक तो पहले स्पोर्ट्स पर्सन कौन थे, महाराजा यदवेंद्र, और अभी सेकेंड टाइम कोई स्पोर्ट्स पर्सन उसके प्रेसिडेंट बने हैं और वो है पीटी उषा। अगर मैं पीटी उषा के बारे में बात करूँ तो पीटी उषा को पायोली एक्सप्रेस भी बोला जाता था क्योंकि वो पायोली केरला से बिलोंग करती थी। सी इज अ विनर ऑफ द 4 एशियन गोल्ड मेडल्स एंड 7 सिल्वर मेडल्स एंड 4th प्लेस फिनिशर इन द 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 40 मीटर हर्डल्स फाइनल, बराबर ना, राइट। एट द एज ऑफ द 16 ईयर्स सी बिकम द यंगेस्ट स्प्रिंटर टू एवर रिप्रेजेंट द इंडिया एट द बिगेस्ट स्टेज ऑफ फॉर द ट्रैक एंड फील्ड एथलीट्स, बराबर ना। तो ट्रैक एंड फील्ड एज अ ट्रैक एंड फील्ड एथलीट वो इंडिया की सबसे यंगेस्ट स्प्रिंटर बनी कि जिसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है सबसे हाईएस्ट लेवल पे, बराबर ना। पीटी उषा वॉज अवॉर्ड बाई द अर्जुन अवार्ड एंड द पद्मश्री अवार्ड इन द 1983 एंड 1985 एंड इन जुलाई 2022 सी वॉज नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा बाय द भारतीय जनता पार्टी, बराबर ना। अगर मैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात करूँ तो फाउंडिंग प्रेसिडेंट कौन है उसके, सर दुर्रबजी टाटा, और उसके एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 1927 के अंदर, बराबर ना। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली G7 नेशंस ने एस्टैब्लिश किया है एन इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब टू फाइट द ग्लोबल वार्मिंग, इसके बारे में बात करते हैं, बराबर ना। कि अभी रिसेंटली एक इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब एस्टैब्लिश किया गया है किसके द्वारा, G7 कंट्रीज़ के द्वारा, बराबर ना। तो ये इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब के अंदर कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, वो सभी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर सकता है कि जो एक साथ में काम करना चाहता है टू कॉम्बेट द ग्लोबल वार्मिंग, बराबर ना। और अगर मैं G7 ग्रुप के बारे में बात करूँ तो G7 की अभी प्रेसिडेंसी 2022 के अंदर किसके पास है, जर्मनी के पास है। 2023 के अंदर किसके पास आएगी, जापान के पास आएगी, बराबर ना, राइट। ओके, 2021 के अंदर किसके पास थी, यूके के पास थी, बराबर। ओके, अगर मैं G7 ग्रुप के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज है उसके बारे में बात करूँ तो जर्मनी, फ्रांस, यूके, इटली, जापान, कनाडा एंड यूएस, ये 7 कंट्रीज़ का ग्रुप है, राइट। और यूरोपियन यूनियन इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एट द ऑल द G7 मीटिंग्स। सो G7 मीटिंग्स के अंदर यूरोपियन यूनियन भी पार्टिसिपेट करता है लेकिन वो ग्रुप का मेंबर नहीं है, बराबर ना, राइट। तो जो G7 समिट 2022 की थी वो किसके द्वारा होस्ट की गई, जर्मनी के द्वारा, बराबर ना। ये इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब की बात करूँ, विल बी अ ग्लोबल इंडेवर रादर देन द G7 इनिशिएटिव। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब जो अनाउंस किया गया है यहाँ पे G7 कंट्रीज ही पार्टिसिपेट कर सकती है, यहाँ पे दुनिया की कोई भी कंट्री अगर वो ग्लोबल वार्मिंग से लड़ना चाहती है वो यहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन, अपना पार्टिसिपेशन दे सकती है, बराबर ना। तो एक्चुअली एक क्लब क्यों बनाया गया है, क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट में अनाउंस हुआ है कि सभी कंट्रीज़ को किसके लिए काम करना है, ये एवरेज टेम्परेचर ग्लोबल लेवल पे 1.5 डिग्री से बढ़ना नहीं चाहिए, कब तक, 2030 तक। तो यहाँ पे ये सभी कंट्रीज साथ में मिलकर कुछ डिसीजन ले, कुछ पॉलिसीज इंप्लीमेंट करें, इसके लिए यहाँ पे ये इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब बनाया गया है, बराबर ना, राइट। और ये पेरिस एग्रीमेंट 2015 में अनाउंस किया गया था, उसके अभी 7th एनिवर्सरी पे ये अनाउंसमेंट किया गया है, बराबर। और ये इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब का जो सेक्रेटरिएट है, जिसका हेड क्वार्टर है, बराबर ना, वो कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है, तो भाई बर्लिन जर्मनी के अंदर, किसके द्वारा, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी और ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट OECD के द्वारा, बराबर ना, राइट। तो ये दो संस्था के द्वारा ये इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब का सेक्रेटरिएट अनाउंस किया गया है, कहाँ पे,
बर्लिन जर्मनी के अंदर, बराबर ना। उसके अलावा ये इनिशिएटिव किसका है, ये इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब G7 कंट्रीज़ का, बराबर ना। और इसका मेन गोल क्या है कि सभी कंट्रीज साथ में मिलके क्लाइमेट चेंज के ऊपर फोकस करें। ऐसा नहीं कि G7 कंट्रीज सभी कंट्रीज़ के लिए यहाँ पे वो ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका अल्टीमेटली गोल क्या है कि पेरिस एग्रीमेंट को अचीव करना। और पेरिस एग्रीमेंट का गोल क्या है कि 2030 तक जो प्री इंडस्ट्री लेवल पे जो टेम्परेचर था ग्लोबल लेवल पे एवरेज टेम्परेचर, उससे 1.5 डिग्री टेम्परेचर 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं बनना चाहिए, बराबर ना। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि अगर प्री इंडस्ट्री लेवल पे ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस था, तो 2030 के अंदर 31.5 डिग्री सेल्सियस से एवरेज टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए। ये सभी कंट्रीज़ का कॉमन गोल है, बराबर ना। राइट, ओके। तो ये इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब किसका इनिशिएटिव है, G7 कंट्रीज़ का। उसी तरीके से इंडिया का भी एक इनिशिएटिव है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, बराबर ना, जो इंडिया और फ्रांस के द्वारा अनाउंस किया गया था। और उसके अंदर अभी 123 मेंबर कंट्रीज़ है, बराबर ना। और ये सोलर पावर के ऊपर फोकस कर रहा है। और ये भी 2015 के अंदर जब पेरिस एग्रीमेंट अनाउंस किया गया था, 2021 के अंदर, तब इसका अनाउंसमेंट किया गया था, बराबर ना। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अगर मैं जर्मनी की बात करूं तो जर्मनी के प्रेसिडेंट हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर, उसके चांसलर हैं ओलाफ स्कोल्स, कैपिटल है बर्लिन और करेंसी है यूरो, बराबर ना। राइट, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आई थिंक आज की सभी न्यूज़ के अंदर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाय।